ऐसे कूड़े डालते हैं ऐसे कोनी में, ये पन्नी डाल देंगे ऐसे साबुत। किस बात में गुस्सा आ रहा? मैं कुछ भी है। कौन सा ना है? आएगा नहीं है। क्या नहीं आएगा? कुछ भी हो जाए, ये चीज नहीं है, खाता नहीं खाता, समझ में आ रहा है ना? ऐसे कूड़े डालते हैं ऐसे कोनी में, ये पन्नी डाल देंगे ऐसे साबुत। कैसे गए उस गली में वो पन्नी? ऊपर से गई वो ऊपर से कैसे चली थी समझ में नहीं आया, डाला है ना तभी तो गई है। यहाँ से इधर अच्छा, कैसे रखेंगे इधर से ऐसे करके अच्छा, गई। कैसे गई ऐसे करके? मैं अभी निकालू दिखाऊं ऐसे करके गई। आंखें दिखा रहा फालतू में, और कुछ काम नहीं है आंखें दिखाने के अलावा। इस पन्नी को डाल देना इसके अंदर, चल डाल दो इस गली में। ये भरी हुई है, ये भरी हुई है। खाली पन्नी है क्या? तो खाली पन्नी तो जाती भी नहीं, वो मेरे मुंह में। खाली पन्नी तो जाती भी नहीं है, खाली पन्नी हल्की होती है, वो तो फंस जाएगी यहीं, यहीं अटक जाएगी, घुसेगी नहीं अंदर जब तक उसको प्रेशर करके नहीं निकलेगी। आपको निकालने को निकालो ना, जब मैं निकाल सकता हूं आप लोग भी निकाल सकते हो। ये चिंता है, लो लो दिमाग भी दे दिया, लो चलो। इसको कुछ काम बोलो ना, ये 50 काम निकाल देगा, 50 बात सुना देगा। ये आज मैं अपना जो ब्लॉग है ना, वो मैं इसी पे बना रही हूँ कि मेरे घर में एक स्ट्रिक लड़का रहता है जिसने हम सब की बैंड बजा रखी है। तो आपने एक बैंड तो देख ली मॉर्निंग में। हम हैं एकदम सभ्य और शांत इंसान, और ये है बारूद, इसको बोलते हैं बारूद। ये कब फट जाएगा पता नहीं है, अभी तो फट गया। अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं एपिसोड में कि ये बम बन के फटता है या परमाणु बम करके। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। किसका बटन है भाई, रखो संभाल के। शुक्र है भगवान का, इस लड़के ने इस बटन में कोई टिप्पणी नहीं किया, नहीं तो इस बटन में भी इसकी टिप्पणी निकल जाती। आज ये गुस्से गुस्से में आज सारा काम कर दे। अब ये कपड़ा लेके बैठ गया, शूज लेके बैठ गया। ये क्या है, साथ में कच्चे बनियान भी लेके चल रहा है। देखा देखा आपने, देखा गाइस, इसने ना हमें क्या बोल दिया कि आपने हमें मतलब कपड़ा आप तो धो गए। आज क्या एक शूज लेके बैठ गया ये लड़का, और हमें सुना रहा है कि कि आपने धोने नहीं है। ये वॉशिंग मशीन किसके लिए लगा रखी है? कपड़े कौन धोता? मैं धोती हूँ, मैं, नॉट आ यू, अंडरस्टैंड, इन ए बेटर अंडरस्टैंड। अब मुझे धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। अब डॉग की बारी है, मेरे डल्लो डॉग। अब ये आप गाइस ये समझ सकते हैं कि डॉग भी, मेरे घर का जो डॉग भी है ना, इससे थर्राता है। ये वो है, एक डायलॉग है ना खड़क सिंह वाला सिस्टम, सेम वही है। ये डल्लो, ये डर के मारे बाहर गेट से बाहर नहीं जा पा रही। बताओ, हमारे घर के डॉग भी इससे कांपते हैं, थर्राते। गाइस मैं लेकर आई हूँ एरिका पाम, और इसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ कैसा है, गुस्सा होता है कि मुस्कुरा। हाँ देखती हूँ। इतना कौन लाता है रोज? एक दो लाओ, इतना सारा कौन लाता है एक ही बार में? ले, इसमें भी सारे नुक्स निकाल दिए इसने, इसने भी इसने नुक्स निकाल दिए। इसका रिएक्शन मैंने सोचा खुश होगा ये,
पर इसके इसमें भी इसने सुना दिया कि इतना सारा कौन लेकर आता है। बताओ, ये हाल है गाइस। मैंने सोचा खुश होगा ये, बट अच्छा लगे। ऊपर से लिया मट्टी कहाँ से लाऊंगा इतनी सारी, हाँ मट्टी लाना पड़ेगा। ओ लो, अब इसको एक टेंशन हो गई, मट्टी लाना पड़ेगा। मट्टी बाहर पड़ी है, मट्टी तो बाहर पड़ी है। अच्छा, इसका मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, तुम गुस्सा नहीं हो। गाय के लिए चारा आ रहा है। गाइस, कभी हमारे यहाँ ना इस जगह में प्लांट फूल हुआ करते थे, और आज देखो कैसा लगता है, सुना सा ये सारे सुने। यहाँ देखो, यहाँ मेरे एरी का पाम हुआ करती थी, आज यहाँ साइकिल और सूज स्टैंड बन रखी है। एंड यहाँ मेरे मनी प्लांट रहा करती थी दोनों में, आज देखो क्या है। चलो कोई नहीं गाइस, मैं ना अपने घर को सुना कभी रख ही नहीं सकती। मुझे पेड़ पौधे फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं धीरे धीरे सारा लेके आऊँ और फिर वैसे ही बनाऊँगी। पर पहले जैसे ओपन तो नहीं होगा, बट पर फिर भी 100 में से 50% भी कर दो ना, मेरे लिए बहुत सुकून वाला काम हो जाएगा। इसलिए मैं अभी एरिका पाम लेके, शुरुआत मैंने एरिका पाम से किया है और ये रबर प्लांट से किया है। विश कीजिए कि मेरा घर पर पहले जैसा हो जाए, हरा भरा। कोशिश मेरी बरकरार रहेगी, आगे देखते हैं क्या होता है। कर ना, तेरा चाचा कैसे कर रहा था? घोर बेइज्जती। हमारा घोर बेइज्जती कर रहा है ये। हमने पानी नहीं करा, पानी गिर गया है, साथ में नहीं गिरा वो। हाँ? वो लीक था वहां से। अच्छा, जब मैंने जैसे खाया था, हाँ, अभी क्यों नहीं गिर रहा है? नहीं, दूसरे टाइम अरे अभी तक चेंज किया मैंने उसे किया। मैंने उस थैली को चेंज किया, वो उठा नहीं पाई कि तब तक कोई आ गया था, ध्यान से हट गया वो। 3 दिन बीत गए महंगा पूरे उस आटे को। आटे के लाए अभी सुबह आटा लेके आई हुए, पता 3 दिन उड़ गया। आपको बताया था ना गाइस, इसका एक मतलब हमारा 1 घंटा तो उसका 1 साल। अभी दिन में यह हाल है, सुबह आपको पता चल गया था क्या कर रहा था दिन में। अब देखो इसे कुछ ना कुछ एक टॉपिक में दिखता है हर चीज। वो शुक्र में भगवान, ये सॉक्स हटा देती हूँ मैं यहाँ से, नहीं तो ये चिल्लाने लग जाएगी, ये सॉक्स यहाँ पे किसने रखा। अभी और कुछ है बोलने? गाइस, में से ये टूट गया था, इसका जो ये है वो टूट गया, तो इसमें भी वो चिल्लाने लग गया था कि कैसा टूट गया। मतलब ये कि हमने इसे हथौड़ा सा मारा तब शायद टूट गया, इसका कहने का मतलब ये है ना। तो ये 50 सवाल करता है कि कैसा टूट गया बताओ। अरे टूटने की चीज़ है, गरम करते करते है क्या उसमें, छोटी सी तो टांका लगा रखी उन्होंने, छोटी सी टांके में भी 50 सवाल। गाइज, अभी तक आप इसका चिल्लाना देखा, और आप देखो इसका एक काइंडली जो होता है ना सॉफ्ट कॉर्नर, वो भी है इसके मन में, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला इंसान भी है ये। और देखिए किस तरह आंचल के पैर के नाखून काट रहा है। उखाड़ ना दे यार ये लड़का, ये
जितने भी पहनने हाँ ये तो ये तो इस तरह लगा हुआ है ना ये लड़का कि बस ये देखो एलियन वाले नाखून देखो मेरी मम्मी ने काटे ये नाखून ये मेरे से कट गए थे देखिए किस तरह लग रहे हैं तो फिर रसे ने कहा कि चलो मैं काट देता हूँ तो वो काट रहा है ऐसे नहीं बोला चाचा ने बोला आ तेरा पैर नाखून काटूंगा हाँ इसलिए वो काट रहा और कह भी रहा है कि मेरी मम्मी ने इसे सिखाया कोने कोने का नाखून काटना अरे यार ये लड़का ना उखाड़ ही देगा इसको क्या कितना वो पहले का देख रहे हो कितना वो था ये देखो ये गंदगी देख रहे हो पैर धोना नहीं है कल मैंने क्रिकेट खेला तो मिट्टी चली गई उसके अंदर ये हां मिट्टी चली गई नहीं ये देखो ये ओ चाचा ने चाचा यहां से मत पकड़ो चाचा उधर दो वहां से चुप रे